रेलवे अपडेट्स। तो रेल को लेकर क्या नई सूचना है, क्या नई जानकारी है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हर एक फील्ड से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू, ये सुविधा रेलवे ने शुरू कर दी है। तो कहाँ, कब और किन ट्रेनों में आप करवा सकते हैं तत्काल टिकट बुक, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सेंट्रल रेलवे के PRO शिवाजी सुतार के मुताबिक 30 जून और इसकी आगे की तारीखों के लिए चलने वाली ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो गई है। स्पेशल ट्रेनों में जिन ट्रेनों का नंबर 0 से शुरू है उसमें बुकिंग की जा सकेगी। जिस भी ट्रेन का नंबर 0 से स्टार्ट है वो आप बुकिंग कर सकते हैं। 1 जून से, अगर आपको मालूम है तो 200 ट्रेनें लगभग चल रही हैं, क्योंकि 31 मई को लॉकडाउन 4 की समय सीमा समाप्त हो गई थी, यानी कि खत्म कर दिया गया था उस टाइम पे। और उसके बाद से, यानी कि 1 जून से, भारतीय रेलवे देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन उन्होंने किया था, और उन सफर करने के लिए 22 मई से टिकट शुरू की गई थी। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, ये तत्काल टिकट बुकिंग मार्च से बंद है। तो रेलवे ने तत्काल बुकिंग सेवा को मार्च में ही बंद कर दिया था, और लॉकडाउन से पहले देश भर में रेलवे सेवा को बंद कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने 1 जून से देश भर में 200 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की थी, और उस वक्त भी रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग भी शुरू नहीं की थी। तो मार्च के बाद अब जाकर जून में ये रेलवे बुकिंग, जो आपकी टिकट बुकिंग शुरू होगी। 120 दिन एडवांस में आप बुक कर सकते हैं टिकट। टिकट कहाँ से बुक कर सकते हैं? रेलवे आरक्षण केंद्र से, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC से, टिकटिंग एजेंट है कोई उससे भी। आप सुबह 10 बजे से AC क्लास की होती हैं और सुबह 11 बजे से स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट बुक होती हैं। इसके अलावा आप IRCTC की वेबसाइट पर भी जाकर बुक कर सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप से भी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के मुताबिक एडवांस रिजर्वेशन सिस्टम पीरियड यानी कि ARP को 30 दिन से बढ़ाकर अब 120 दिन कर दिया है। यह सभी स्पेशल ट्रेनों पर लागू होगा, और सभी ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग की सुविधा भी होगी। कैसे आप बुक कर सकते हैं वो हमने आपको बता ही दिया है, कि तत्काल टिकट के लिए आप IRCTC की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और विंडो खोलने के पश्चात आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। आपको अपनी जानकारी भरनी है और टिकट बुक के लिए आवेदन कर देना है। उसके बाद एक OTP आएगा, और OTP कंफर्म होने के बाद आपका टिकट आपको मिल जाएगा। तो 10 बजे से आप AC के लिए और 11 बजे से आप स्लीपर रिजर्वेशन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 12 अगस्त तक जो नॉर्मल ट्रेनें हैं वो बंद रहेंगी, क्योंकि रेलवे बोर्ड के मुताबिक फिलहाल जो नियमित मेल है, एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, वो 12 अगस्त तक रद्द ही रहेंगी। हालांकि स्पेशल जो ट्रेन है वो चलती रहेंगी। 12 मई से राजधानी दिल्ली से जो शुरू की गई थी स्पेशल ट्रेनें, और 1 जून से चलाई गई 200 स्पेशल ट्रेनों को रेलवे चलाता रहेगा। रेलवे बोर्ड के मुताबिक 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच यात्रा के लिए सभी नियमित ट्रेन में बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है, और सभी बुकिंग का रिफंड भी लौटाया जाएगा। किन बातों का आपको ध्यान रखना है तत्काल टिकट की बुकिंग पर? एक और चीज आपको जो ध्यान देनी है वो है कि आपको यात्रा के दौरान अपना ID प्रूफ हमेशा साथ रखना है। ID प्रूफ कभी भी चेक हो सकता है। तो अगर कोई यात्री साथ में है तो किसी की भी आप एक ID ले सकते हैं, वो भी काफी रहेगी। बट सजेशन यही रहेगा कि जो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सबकी ID आपके पास हो। ट्रेन यात्रा के दौरान पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, केंद्र या राज्य सरकार की कर्मचारी के तौर पर है तो पहचान पत्र, किसी बैंक की पासबुक, स्कूल या कॉलेज की ID, ये सभी आप एज ए ID प्रूफ में रख सकते हैं।
टिकट कैंसलेशन के नियम में थोड़ा बदलाव है, तो वो क्या है? रेलवे द्वारा टिकट कैंसलेशन में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार अब यात्री यात्रा की तारीख से 6 महीने तक काउंटर से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। दरअसल सेंट्रल रेलवे ने पहले ट्वीट करके जानकारी दी थी कि जो रद्द की गई ट्रेनों का टिकट है वो पैसा 30 जून तक वापस लिया जा सकता है। तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो लॉकडाउन 2 की गाइडलाइंस ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।